हेलो, वेलकम टू E24। मैं हूँ साक्षी अरोड़ा। और मैं हूँ ज्योति शर्मा। और आज हमारे साथ कुछ छिछोरे हैं जिनके साथ हम बहुत सारी छिछोरा पंती करने वाले हैं। ज्योति जी, बिल्कुल साक्षी, आज हमारे साथ छह छिछोरे हैं। एनी, माया, एसेड, सेक्सा, मम्मी एंड बेवड़ा भी है। ये बड़े अजीब से नाम है सारे, नहीं नॉर्मल होते ऐसे, प्रेम, राहुल, ऐसे कुछ कॉलेज के बच्चों के नाम होते हैं। ऐसे असली नाम होते हैं ना सबके। जैसे अनिरुद्ध का हॉस्टल में जाके अनिरुद्ध का अन्नी हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है। और सबका अपना अपना टेंडेंसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। जैसे कि इस फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा 25 इयर्स की जर्नी दिखाई है कॉलेज टाइम से, फिर एक गेट टुगेदर होता है, आप लोग मिलते हो। सो कैसा था ये एक्सपीरियंस और पूरा ये 25 इयर्स का जर्नी जो दिखाया गया? सुशांत, आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा, जैसे टेस्ट मैच का मजा अलग होता है क्योंकि उसमें दो बार बैटिंग करने को वैसे ही इस फिल्म में जिसमें एक्टर्स को दो बार दो कैरेक्टर अलग प्ले करने का मौका मिलता है तो काफी चैलेंजिंग भी होता है, एक्साइटिंग भी होता है। और अब क्योंकि हम लोगों ने काम कर दिया और हमें लग रहा है बहुत अच्छी फिल्म है तो ये एक्सपेक्ट करें कि आपको भी बड़ा अच्छा। यार एज एन एक्टर तो बहुत ही एक्साइटिंग है कुछ भी ऐसा कुछ कर पाना जहाँ पे आप अपनी एज जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो करने वाले करेंगे वो इमेजिन करके खेलना और एक्सपीरियंस करना बहुत बढ़िया था। उसके बाद हम सब ने दो दो महीने लिए थे उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, फिजिकल चेंज होने करने के लिए। तो एक्टर मुताबिक तो मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था और सबको कुछ नया करने का मौका मिला। फिल्म में फ्रेंडशिप की बात की गई है तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जो काफी डिफिकल्ट थे और ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके दरवाजे पे खड़ा रहा? मेरे तो बचपन के काफी सारे एक ग्रुप है, आई थिंक मैं गिनती भूल जाती हूँ कि 5-6-7 है, कितने लोग हैं हम हमारी ग्रुप में, स्कूल फ्रेंड्स। आई थिंक स्कूल के दोस्त जो रहते हैं वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे पास भी है वो ग्रुप। मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ मैं टच में हूँ, मेरे जिनके साथ मैं नर्सरी से पढ़ा हूँ वो अभी तक मेरे साथ टच में हूँ। इंटरेस्टिंगली एक हमारी सीक्वेंस इस फिल्म का जो लंदन में शूट हुआ था और हमारा वहाँ पे कम दिनों का ही शूट था, तो मेरा एक बहुत बचपन का दोस्त है तो मैं उसने मेरे को फोन है और उसके जब ये शूट खत्म हो रहा था वो एंड में रखा गया था, खत्म हो रहा था, मेरे पास थोड़े फ्री डेज थे तो मैंने रैंडमली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके पास वैलिड वीज़ा है 10 साल का UK का, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा भाई मैं 5 दिन बाद लंदन जा रहा हूँ, मेरा 1-2 दिन का शूट है और उसके बाद में फ्री हो तो पता चलेगा। सो उसका मेरे को शाम को फोन आया, कहता भाई अपनी फ्लाइट की डिटेल्स बता, किससे जा रहे, कुछ है, मैं सेम फ्लाइट में तेरे साथ चलता हूँ। ही केम विद मी, मैंने उसको सिर्फ ऐसी मजाक में बोला था, बड़ी जगह यार टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, अब्रॉड में मजा आएगा, चिल करेंगे। तो वो उस मेरे साथ आया, शूट पे भी आया और उसके बाद एक हफ्ते तक हमने ऐसी चिल करा एंड यू जस्ट रीलिविंग आवर डे। सो दिस इज जेन्युइनली जस्ट हैपेंड ऑन दिस सेट आल्सो। सो आई थिंक पुराने फ्रेंड्स के साथ तो टच में रहना और जो आपकी बॉन्डिंग है जितने अच्छे से आपको वो जानते हैं, आई थिंक खुद भी आप अपने आप उस तरीके से नहीं जान पाते। सुशांत, मैंने सुना था आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपके ज्यादा दोस्त नहीं है, तो क्या वो चेंज हुआ है? और जो आपके दोस्त हैं उन्होंने आपकी कौन से, नहीं इन्होंने पुराने इंटरव्यू में बोला था, जितने मेरे दोस्त हैं जैसे तुम लोग सारे बहुत इम्पोर्टेंट और कम हो, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो दोस्ती होती है उसमें सबसे जो प्री रिक्विजिट होता है उसमें समय देना होता है, तो उसके बिना दोस्ती कौन सी होती है, तो समय आपके पास लिमिटेड होता है, तो वही दोस्त मैं बनाता हूँ जो सच में दोस्त बनाने के काबिल हो, जैसे कि हम। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि पूरा कॉलेज आपका दीवाना है, ये बताइए क्या स्कूल और कॉलेज में भी आपके साथ ऐसे ही होता था कि लव लेटर्स आते रहते थे? यार अभी भी होता है, मुझे तो याद नहीं है कि मेरे पीछे पीछे कोई भागता था ऐसे, अरे झूठ नहीं, ऐसे लेटर पढ़े ही नहीं, पर हाँ लेटर्स मिले, मैंने भी लिखे तो कुछ नसीब है वो चिट्स ना। तो जब आपने वो लेटर भेजा तो उसका रिप्लाई कुछ आया? अरे मुझे एक लेटर मिला और पहला लेटर मुझे मिला फ्रॉम अ गाय हु इवन आई थॉट वाज क्यूट, तो उसने मुझे लिखा था श्रद्धा आई लाइक यू, ही रिप्लाई कर लिया आई लाइक यू टू, तो लड़कियां जब स्लैम बुक भरवाती थी ना या मैं किसी लड़की से स्लैम बुक भरा था, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लव लेटर लूटर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी स्लैम बुक की,
क्या मजेदार टाइम। मैं तो बहुत स्टूपिडिटी करता, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त स्कूल में, मेरा बहुत मजा, मेरा क्रश था, तो मैं उसको ही फोन करता था एक लड़की क्लास में, और बहुत दिनों बाद मैं अब समझ रहा बोलूं कहते हैं उसका आखिरी अल्फाबेट जो है ना वो मुझे बाद में लगता है कि मैं कितना लगा था उससे, उसी के बारे में ऐसे बात कर रहा हूं कि आखिरी से उसका अल्फाबेट है ना वो ये है, तो अभी भी ऐसा कर सकते। तो सवाल ये है कि कभी ऐसे आप लोगों के साथ में हुआ कि किसी के लिए फीलिंग्स हो या क्रश हो, तो आप क्या करते हैं? आप जाके क्लियरली बता देते हैं या फिर आप हिचकिचाते हैं, जैसे कि हम मूवी में देखते सुशांत बता देते हैं? मैं उनमें से उस तादाद में से हूँ जो जाके अपना क्रश को नहीं बताते कि आप हमारे क्रश हैं। नहीं डरते नहीं है, डरना नहीं है। एक जैसे आपके मम्मी पापा से हमने कोई भी आप गलत काम नहीं करते, क्योंकि एक आंख की शर्म होती है, आई थिंक वो क्रश की शर्म है। और भाई हमारे कल्चर का अनुवाद दूर से हाथ मार देते हैं। आपके साथ क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इंजीनियरिंग हॉस्ट जब ज्वाइन किया था मैंने फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट डे आई वेंट, मैं मैकेनिकल ब्रांच में था, तो मैं एडमिशन ले रहा था, तो मैंने देखा कि सिविल में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, तो मैंने मैकेनिकल क्लास में एंटर किया, देखा कि 100 लड़के थे और एक भी लड़की नहीं थी, तो मैंने जाके एक भी नहीं थी मैकेनिकल में उस टाइम पे, फर्स्ट डे जब एडमिशन, तो मैंने कहा 4 साल तो नहीं बिता सकते यहाँ पे, कुछ करना पड़ेगा, और मैंने सिविल बहुत सुंदर लड़की, तो मैंने एडमिशन सेक्शन में गया, मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसा होता है आपके रैंक के हिसाब से आप स्लाइड कर सकते हो ब्रांच, तो मैंने उनको जाके बोला कि मैं सिविल लेना चाहूँगा, और सिविल एक गंदा ब्रांच माना जाता है, तो उसने मुझे देखा कि तुम मैकेनिकल से सिविल जा रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई क्यों, मतलब तू सवाल मत करना बस, तो मैं सिविल स्लाइड ले लिया, अब मैं 3 दिन क्लास में बैठा हूँ, लड़की नहीं आ रही है, वो मुझे कैंटीन में मिली, मैंने कहा अरे हाय आई डिडंट सी यू, सर मैंने मैकेनिकल में स्लाइड ले लिया। व्हाट व्हाट डू यू मीन, मतलब मेरे रैंक के हिसाब से मुझे सीट खाली हुआ है मैकेनिकल में, तो मैंने स्लाइड ले लिया, तो मैंने सिविल में डिग्री के 4 साल में आपका कौन सा क्रश है कभी रहा है जिंदगी में? नहीं हाँ मेरा क्रश था, लेकिन मैं कम से कम महीनों उसको नहीं बता पाया, और जब महीनों के बाद किसी और ने उसको बता, हाँ महीनों मैं नहीं बता पाया, और जब मेरी कुछ हालत गड़बड़ हुई दूसरे आदमी ने उसको बता दिया हमारे बारे में कि ऐसा सा है, अभी तक क्रश थी नहीं, अब तो खत्म। उसके बाद कहानी में कहानी मतलब ये था कि मैं चाह रहा था एक क्रश खत्म हो जाए। आपके साथ क्या हुआ? तो मैं ये कल मैं बात कर रहा था कि अभी अगर आप किसी पर क्रश करते हो इट्स बिकम सो इजी नाउ, कि अगर कोई क्रश है आप सीधा इंस्टाग्राम पे जाओ, उसके प्रोफाइल पे उसने रेडीमेड डाला होता है कि गाइस जैसे सालसा क्लास एट वीरा देसाई रोड 6:30 PM हैविंग सो मच फन, तो आपको पता है कि मेरे को सालसा क्लास जाना है वीरा देसाई 6:30, ये रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है, पहले ये सब नहीं था। पहले अगर आप किसी पे क्रश करते थे तो 1 महीना लगता था कि ये पता करने का रहती कहाँ है वो, उसके बाद आपको उसके बाद फिर आपको पता, जैसे लैंडलाइन नंबर है उसका, तो लैंडलाइन नंबर कैसे पता चलेगा, तो फिर हम क्या करते थे बिल्डिंग में उसके घर का पोस्ट बॉक्स जो होता था ना उसमें उसके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल आते हैं वो चुरा लेते थे कि उसमें लैंडलाइन नंबर आता है, तो उस लैंडलाइन नंबर पे फिर आप कॉल करो, और लैंडलाइन में आई डोंट नो आई नेवर अंडरस्टूड दिस, सारे बाप लैंडलाइन के बगल में क्यों बैठे रहते हैं, अभी भी फोन करो एंड ऑल द बाप्स हैव द सेम वॉइस, हेलो ऑन ऑल राइट, इट्स लाइक दे डोंट वांट यू टू कॉल, एंड 6 महीने हो गए, 6 महीने तो वो लड़की कभी नहीं उठाएगी, फिर वो मोमेंट आता है जब आपके लाइफ में जब वो लड़की फाइनली फोन उठाती है, हेलो उसकी आवाज पहली बार आपने सुना और आपकी फट जाती है और फोन रखती है, 6 महीने बाद वो मोमेंट आया एंड यू आर लाइक पता नहीं क्या बोलना है, तो पटक। सो हाँ, आपने सोशल मीडिया की बात की, उसी से मेरा सवाल बनता है, सोशल मीडिया में आजकल सब लोग अपना लाइक प्रोफाइल दिखाते कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, आपसे स्टार्ट करती हूँ कि ऐसी कोई चीज है जब आप किसी लड़की की प्रोफाइल या इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपको अननॉय करती है कि लाइक नहीं बट ऐसी कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो आपको कोई चीज लगती है कि यार ये ज्यादा हो गया ये इतना भी नहीं डालना चाहिए? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को ना हमने एक चीज से कंफ्यूज कर दिया, हमें लगता है कि सिर्फ उसकी जो पोटेंशियल है वो वही है
हम जो कर रहे हैं वो बताने के लिए, वाइल वो बहुत अच्छा तरीका है बताने का। मैं ये भी सोचता हूँ कि आप जो नहीं कर रहे हो तो सोचते हो वो भी आप ज्यादा बता सकते हो। तो ये दोनों को बैलेंस करके रखना। बट एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं बताता हूँ। एक बार ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा हूँ, लाइव में लोगों से बात कर रहा था। मैं वो वाला लाइव नहीं था कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी वीडियो कॉल पे लेके साथ में तो उनसे इंटरेक्शन कर रहा था। सडनली एक बंदे का ना मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट आया कि मैंने 5-6 लोगों से बात कर ली थी, एक बंदे की मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। तो ना वो सड़क के बीच में बैठा हुआ बात करा मैं, पंजाब का बंदा था, अमृतसर का। मैं सत श्री अकाल भाजी, की हाल चाल भाजी, कितना वधिया, ठीक हो? मैं ठीक हो मेरी, की हो, कितने बैठा है तू, मतलब कहाँ पे बैठा, क्या कर रहा है? कहता भाजी कुछ नहीं, मेरा ना ट्रॉला होता है ना जिसमें वो क्या कहते हैं वो भूसा जो होता है, इसको इंग्लिश में भूसा नहीं कहते, उसका भूसे का ट्रॉलर ट्रेलर पूरा पलट गया था सड़क। सड़क पे भूसा ही भूसा था, जाम लगा हुआ था तो, और वो मेरे से बात कर रहा है। कहता भाजी कुछ नहीं, मेरा ट्रॉला ना इधर सड़क पे डिग गया तो उधर करके थोड़ा ना जाम जहा हुआ है। तो मैंने कहा भाई तेरा ट्रेलर गिरा है, लाइव पे बात कर रहा मैं उसे, मैंने कहा तेरा ट्रेलर गिरा हुआ है, तेरा भूसा सारा वेस्ट हो गया, जाम लगा, तू मेरे से क्यों बात कर रहा है? कहता नहीं, एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा कि तुसी लाइव हो, मैंने कहा चल मैं 2 मिनट बाद से तुझे कॉल करता रहेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता, तू अपना ट्रॉलर देख पहले, तेरा नुकसान हुआ वो देख, और जैम को हटा वहां से, क्या करे। कहता कोई चक्कर नहीं भाई। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मतलब इतनी डेप्थ में चले गए ना, but which is at times wrong also, you shouldn't like kind of do that also. Shraddha, what do you find annoying on social media? What do I find annoying? I think it must be Naveen's profile. But I never message her from my own profile. She will never find out. You have some gossip. Kalpesh ka message aata hai kabhi? Kiska? Kalpesh. I like you wala bande. Yaar, aisi koi baat to hai nahi jo annoying hai social media pe. I don't think so. I think ki somewhere, agar aap social media pe hai, you have to, kya hua? सॉरी, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो कहीं पे आप उसे एंजॉय करते हो, यू नो, बीइंग ऑन सोशल मीडिया। तो अननोइंग तो आई डोंट नो, मतलब सो मच कंटेंट ना, यू कैन चूज, इफ यू डोंट, एंड यू कैन चूज एक्चुअली। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगता है सोशल मीडिया के ऊपर, खाना ठंडा हो जाता है। इतनी फोटो खींचते लोग खाने की, अगर किसी के बाद लोग फोटो खींचते रहेंगे खाने की, मजा ही खराब हो जाता है, खाने का ठंडा हो जाता है। बर्थडे केक नहीं खाते लोग, आप बिना, आपने केक काटा, नहीं नहीं रुक जा रुक जा, आया फिर खाते, फिर भी नहीं, पहले पोस्ट कर, फिर एक मिनट। हाँ, वो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा लेवल है। आई थिंक कि वो सोशल मीडिया ऑब्सेशन अगर आपकी डेली लाइफ में उसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, आई थिंक कि यू हैव टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, ऑल्सो टू बी इन द मोमेंट। लाइक आप मोमेंट में भी रहो और सोशल मीडिया भी यूज करो, लेकिन उनका बैलेंस थोड़ा फिगर आउट करो। पता है मैंने देखा नहीं था, मैं देखते हुए था, मैंने एक बंदे को लाइव वीडियो बनाते हुए देखा है जब वो व्हेन ही इज टेकिंग अ डंप। ओह माय गॉड, दैट मतलब दैट एक्सट्रीम, लाइक देयर इज वन वीडियो व्हिच वेंट वायरल। क्या बोल क्या रहा था वो, पता नहीं क्या, मैं आपको लगता है देखूंगा बैठ के सुबह उठ के, मैं सुबह उठ के किसी और बंदे को देखूंगा कि वो बैठ के क्या बातें कर रहा है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन टू एवरीवन। कॉलेज लाइफ तो इसमें दिखाई गई और हम देख रहे हैं कि आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज लाइफ में यहाँ पे बुली भी किया जा रहा है सीनियर्स के जरिए, लूजर बोला जा रहा है आप लोगों को, तो कभी ऐसे कॉलेज में हुआ है कि आप लोगों को सीनियर्स से कोई पंगा हो गया या बुली किया गया या आप लोगों को बोर्डिंग में थे? बोर्डिंग में ये चीजें तो होती रहती है। नहीं, ऐसा मतलब रैगिंग होता है, वो सीनियर्स जनरली जूनियर्स के फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, इसलिए होता है। तो बस ऐसे ही होता, कुछ ऐसा याद रखने वाली बात। मैं बुली स्कूल में, हाई स्कूल में, ये इंटरनेशनल स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे हमारा 11th 12th भी है, और वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन इंडियन लड़की थी जो मेरी बाद में बेस्ट फ्रेंड हो गई, इसने मुझे पहले बुली किया, और बहुत मतलब ऐसे ज़बरदस्ती, आई वॉन्ट योर होमवर्क, शो मी योर दिस, शो मी योर दैट, पहले वो करती थी तो मैं देती भी थी कि भैया ले लो, प्लीज़ ले लो, मुझे मतलब बुली मत करो। उसके बाद आई थिंक क्योंकि मैंने उसको बुली करने दिया तो उसने थोड़ा मतलब वो लीनियंट हो गई और हम बेस्ट फ्रेंड हो गए। फिर मैं उसके साथ मैंने बुलिंग शुरू की थोड़े टाइम के लिए, तो मैं एक्चुअली उसकी फॉलोअर थी, तो मैं उसको इमिटेट करती थी कि वो मुझे बोलती थी कि श्रद्धा ये करो वो करो, डू दिस टू दिस वन दैट, ओके मैं करती, तो मैं अटेम्प्ट करती थी, पर इतनी सक्सेसफुल भी नहीं थी। इस फिल्म में हम देख रहे हैं कि आप लोग एज कर रहे हैं, यूजुअली अगर फिल्म इंडस्ट्री से ना भी हो तो लोग काफी एजिंग से घबराते हैं, लेकिन एज वी ऑल आर एजिंग, आप
क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइफ एक्चुअली है क्या? देखो मैं तो अभी भी अपने 20s में हूं. थैंक यू. मैं तो अभी भी अपने 20s में हूं. एंड हम सब बोल रहे हैं. तो आई थिंक कि जब आप एज करते हैं, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हर पहलू जो होता है जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उस पहलू में आपको उस एज के मजे लेने, जब आप टीन्स में होते हैं तो टीन्स की जो एक्साइटमेंट होती है, जो मजे होते हैं वो लेने, आप ट्वेंटीज में होते हैं अलग होता है, थर्टीज में होता है आपकी थिंकिंग पूरी चेंज होती है. तो मेरा मानना है आप जिस भी एज में हैं आप उस एज के मजे और न्यूएंसेस जो है उसको इंजॉय करना चाहिए. या वेरी, और सबसे छोटे हो ना आप, सबसे ये देखो सब यही तो है. सबसे छोटे और सबसे वाइज क्या आई थिंक ये कोशिश जारी है कि चाहे आपकी उम्र जो भी हो, तो कीप दैट चाइल्ड अलाइव विद इन यू. जितना हम उसको याद करेंगे उतना ही अच्छा होगा. जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, आप सभी का एक एज का गैप दिखाया गया और आप लोगों ने वो कैरेक्टर देख लिया. सो जब आप ये कैरेक्टर प्ले करते तो आपको क्या लगता है उस वक्त, ये वो फील? और ये प्रोस्थेटिक्स हम सही में ऐसे नहीं दिखते, इतने गुड्डे भी नहीं है. तो ये तो हमारा एम है कि हम कितना ट्रूथफुली वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि हम हमारा किरदार ऐसा 45 साल का अगर हो गया तो हाउ वी आर लिविंग, हाउ वी आर. आई थिंक अगर आपको लगेगा कि हम सच में बड़े हैं, लग रहे हैं, तो शायद हमने सही काम किया. और आई थिंक एक्चुअली इसी प्रोफेशन में आपको वो मौका मिलता है कि यू कैन प्ले एनी एज ग्रुप. You know, ऐसा if you, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, सडनली आपने डिसाइड किया कि यार मैं बिग बिग पहन के मैं मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे 60 इयर्स का बनना है, तो वो शायद थोड़ा नामुमकिन होगा. हम लोग के इंजीनियर बन गए चक्करों में, हम का इंजीनियर था. पर आई थिंक दैट इन दिस प्रोफेशन सिनेमा में जो है, हमें मौके मिलते हैं कि यू कैन एज एक्टर्स यू गेट टू बी सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और कितनी सारी जर्नीज आप लिव कर सकते हैं. और रही बात इसमें एज प्ले करने की बात है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, जब मेरा हैवी प्रोस्थेटिक हुआ, ये सब हुआ, तो दो तीन चीज़ें मुझे महसूस हुई. एक तो मुझे लगा कि यार मैं शायद 45 या 50 में ज़्यादा अच्छा लगूंगा, ये ऐसा प्रोस्थेटिक हुआ कि इस उम्र से ज़्यादा मैं वहाँ लगूँगा. और एक और सबसे एक्सपीरियंस ये हुआ कि अभी मैं 35 के अराउंड हूँ, और जब 45 वो गया तो मैं अकेलेपन में जब प्रोस्थेटिक के साथ था, तो कुछ अलग वो एक्सपीरियंस हो रहा था कि अरे मेरा मूवमेंट, मेरा एक्सप्रेशन, मेरी आवाज़, वो एकदम अलग हो रहा था एक्सपीरियंस. तो इससे ये हुआ कि मैं 45 हो गया, 50 का हो तो शायद कैसा होगा, कैसा मूवमेंट्स होंगे, थोड़ा स्लो हो रहा है, वैसे हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कमाल का था ये प्ले करते वक्त अपने आप. जैसे कि हमने देखा है कायकुची में आप ताहिर के साथ काम कर चुके, इस फिल्म में भी आप लोगों को, तो बॉन्ड कैसा था, क्योंकि ताहिर तो है नहीं यहाँ पे जो हम पूछे उनसे, तो आप लोगों का बॉन्डिंग कैसा रहा? जब कायकुची में क्या हुआ था कि जब हमने फिल्म की शूट कंप्लीट कर ली थी, तो फिर आखिरी सीन शूट किया गया था, तो मैं कभी ताहिर से मिला नहीं था. और तो फिर मैंने फिल्म देखी, आई थिंक ताहिर की वो पहली या दूसरी फिल्म, और उसके बाद जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तब तो हम दोस्त बन भी गए. तो उसने मुझे कुछ 8वें दिन शूट पे बताया कि तो पता है तो कुछ देखिए, मैंने कहा हाँ देखिए, तो कि वो जो सीन है उसमें मैं तो वो लड़का है ना, हाँ तो हम मुझे पता है, जब मुझे पता चला कि वो था कि मेरे हमारे दोस्त जो थे और पूरा फिर हमने बोला काय कोच है. चाहेंगे कि जो ऑडियंस देख रही है और आपके फैंस, उनको क्या कहना चाहेंगे फिल्म छिछोर के बारे में? बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, और जिस तरीके से मेरा नैरेटिव है बहुत फ़र्क है, सिर्फ यंग को नहीं, नेक्स्ट जनरेशन, हमारी आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स कमिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी, और बहुत ही कुछ नया नैरेटिव है. नितेश सर की फिल्म है, तो आप प्लीज नितेश सर की फिल्म में हमें चांस मिला तो हम लकी बंदे हैं, और हमने दो दो रोल करे उनके फिल्म में, तो ये दो फिल्म एक साथ, तो डबल डबल फेथ था उनका हमने. आप भी कम से कम दो बार ये फिल्म देखेंगे. हां, एक यंगर लुक के लिए गोल्डन लुक, बिल्कुल फोकस. बट आपको अपने खुद के छिछोरे दिन याद आ जाए. यस, तो प्लीज छिछोरे 6 सितंबर 2020. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.